हेलो दोस्तों, एजुकेशन वर्ड्स में आप सबका स्वागत है। हमने क्लास 11th के राजनीति विज्ञान में यानी पॉलिटिकल साइंस के विषय में हमने देखा था संविधान क्यों और कैसे। इसके दो वीडियोस मैंने पहले ही डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसका देख लिया था कि भारतीय संविधान कैसे बना, हमने इसको देख लिया था यानी अच्छे से याद भी कर लिया था। इसके बाद देखते हैं जो हमारा संविधान बना उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, उस संविधान सभा का स्वरूप कैसा था यानी किस प्रकार की थी, कितनी बड़ी थी, कितने कैंडिडेट थे उसमें, ये हमारा सारा संविधान सभा के स्वरूप में आ जाएगा। अब इसमें हमें देखना है कि जब सबसे पहले 3 जून 1947, अंडरलाइन करो इसको, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद यानी भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया था उसके बाद वे सभी प्रतिनिधि जो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर अब कितनी रह गई, 299 यानी कि 299 रह गई, जिसमें से 26 नवम्बर 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया था ना, पूर्णतः लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, जबकि कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। फाइनली हमारा संविधान बन गया था 26 नवंबर को, और उसमें कुल सदस्य कितने, 284 सदस्य उस समय उपस्थित थे, कितनी तारीख को, 26 नवंबर को, और उन्होंने ही अंतिम रूप से जो हमारा संविधान बन चुका था उस पर हस्ताक्षर किए थे। इसको अच्छी तरीके से याद रख लो। कई बार हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, तो हमें कौन सी डेट देनी है, 26 नवंबर 1949। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन कि हमारा संविधान कब पूर्णतः लागू हुआ था, तो हमें क्या बताना है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में बात को क्या कहा गया, उपमहाद्वीप। इसमें विभाजन से उपजी विभिक्षा यानी कि जो कठिनाई आई, हिंसा आई, संविधान का काम बना यानी संविधान का काम हुआ। उस समय हिंसा हो रखी थी, क्यों हो रखी थी हिंसा, क्योंकि भारत पाकिस्तान का क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था। भारत के लोग जो पाकिस्तान में जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे, हमने देखे भी है कि कई पिक्चरों में भी दिखाया गया है, हम पढ़ते भी हैं इतिहास में कि उस समय कितना गदर हुआ था, भारतीय जनता और पाकिस्तान की जनता दोनों जनता ने, आम जनता ने कितने कष्ट उस दौरान सहे थे। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी, उन्होंने इस विपत्ति में भी संविधान को बनाया, बल्कि विभाजन के कारण हुई हिंसा से सही सबक भी लिया। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसके अंतर्गत क्या क्या, अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें पता ना मोस्टली विभाजन क्यों हुआ था हमारा भारत पाकिस्तान का, क्योंकि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की जो नीति अपनाई थी, पॉलिसी अपनाई थी, उसके आधार पर उन्होंने देखा कि भारत के जो हिंदू और मुसलमान है वो एकजुट है, इनको कैसे अलग किया जाए। तो जब उन्होंने वो विभाजन के बीज बो दिए थे, कब बोए थे, ध्यान है 1905 में, किसका विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, और वो किस आधार पर हुआ था, हालांकि ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा था उस विभाजन के लिए कि ये तो हमने विभाजन बड़ा है बंगाल, इसके छोटे टुकड़े करने के लिए किया है, प्रशासनिक रूप से किया है, जबकि हम जानते हैं वो विभाजन क्यों किया गया था, वो हिंदू और मुसलमान जो उस समय क्रांति के प्रमुख टॉप बिंदु पे थे उनको अलग करने के लिए किया गया था, और यही बीज आज एक बड़ा रूप में ले चुका था। क्योंकि मैं कल ने कहा था कि आज ये हम जहरीला बीज बो रहे हैं और आगे जाके क्या बन जाएगा, ये वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। और हकीकत में हमने देखा इस वृक्ष को कब, 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान बटे, तो यह गठन हुआ हमारी सभा का। वास्तव में यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये समझ गए ना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, पृथ्वी पर सभी को एक निश्चित उम्र होने के बाद मत देने का अधिकार, याद रखना इस चीज को। प्रश्न आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, समझ गए क्या होता है, कि नहीं चुने गए थे, ज्यादातर प्रतिनिधि बनाने पर गंभीर प्रयास किया गया, सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के उनके सदस्यों को लिया गया। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, पता है ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी थी, टॉप पार्टी थी, हमें पता है स्वतंत्रता में उसका महत्वपूर्ण बलिदान रहा था, इसलिए ये अच्छी पार्टी चल रही थी उस समय, उसके 82% सीटें
प्राप्त थी, लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई थी। ऐसी पार्टी थी जिसमें सभी विचारधाराओं के लोग थे। अब देखते हैं विधानसभा के कामकाज की शैली, क्या कार्य करने के तरीके क्या थे, कि विधानसभा की जो सत्ता केवल इस बात पर नहीं टिकी थी कि वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी, संविधान बनाने के लिए अपने की प्रक्रिया और सदस्यों के लिए जो निश्चित नियम बनाए, विचार विमर्श की जड़ें छुपी थी वो मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार थी। इसमें प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होनी चाहिए, समुदाय का प्रतिनिधित्व करे वो। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हितों को ध्यान में रखा और सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, कई बातों को लेकर होते थे और हमारे हर अनुच्छेद पर बहुत सारे मतभेद रहे, बहस हुई और अंत में उसको कानून बनाया गया और इसको वो मतभेद को भुला भी देते थे और अंत में एक भी होते थे। ये मतभेद वास्तव में वैधानिक या सिद्धांतिक आधार पर थे, कोई आपसी लड़ाई का विवाद नहीं था। संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत में शासन प्रणाली केंद्रीकृत तो होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत, केंद्रीकृत समझते ना कि जो शासन है एक जगह से चलना चाहिए या शक्तियों का बंटवारा कर देना चाहिए। अब हमें पता है ना हमारे यहाँ कैसी शासन व्यवस्था है, विकेंद्रीकृत है ना, शक्तियों का बंटवारा किया गया ना, किस किस में, राज्यों में और केंद्र में। केंद्र ने विभिन्न राज्यों को शक्तियां दे रखी है सरकार बनाने के लिए। राज्यों के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका की शक्तियां होनी चाहिए, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, लगभग इन सभी विषयों पर गहराई से चर्चा हुई थी और आधुनिक राज्य की बुनियाद जो रखी गई है इन्हीं पर रखी है। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा था जो बिना किसी विवाद के पास हो गया था, कौन सा था ऐसा, यह प्रावधान था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिस पर धर्म जाति शिक्षा लिंग और आय के आधार पर भेदभाव बिना सभी नागरिकों ने एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा, ये इस पर कोई विवाद नहीं हुआ। ये है फटाफट इसको पारित कर दिया गया, सबने इसको पारित कर दिया। इस सभा की जो लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का इससे बढ़िया व्यवहारिक रूप कुछ नहीं और हो सकता, यानी कि संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि सार्वजनिक हित का काम कर रही थी। इसके सदस्यों ने चर्चा तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया, उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों के सिद्धांतों को कारण दिए। हम जानते नहीं हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना लंबा समय क्यों लगा, ऐसा क्या किया। हमें ध्यान होना चाहिए हर पॉइंट पे, हर बिंदु पे, हर अनुच्छेद पर महीनों महीनों बहस चली थी और उसका अंत में कंक्लूड जो निकला था उससे एक कानून बना था। ये बहसें भी फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और यादगार अध्याय में से एक है। अब हम इसमें देखते हैं कार्य विधि, यानी कि कार्य विधि, यानी जो संविधान निर्माता थे उनकी क्या कार्य विधि थी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन थे, मोटे रूप से तो बहुत सारे थे, हम सबका हमने ऊपर देखा कि 284 अंत में जो साइन किए थे, सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा की सामान्य कार्य विधि में सार्वजनिक विवेक का महत्व दिया गया, विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 कमेटियां गठित हुई। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू थे एक कमेटी के अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद एक कमेटी के अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू भी कमेटी के अध्यक्ष थे, मौलाना आजाद, बी आर अम्बेडकर इन कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। हमें मोटे रूप से ध्यान होना चाहिए बी आर अम्बेडकर कौन से समिति के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन से के, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, हमें चित्र में दिखाई दे रहा ना कौन, राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर, दोनों एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं, समझ में आ गया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसे निर्मात्री समिति भी कहते हैं, अंबेडकर जी। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया ना, हालांकि उनके विचार नहीं मिलते थे लेकिन सबने क्या किया, मिलकर काम किया। प्रत्येक कमेटी ने आम तौर पर संविधान के कुछ प्रावधानों को प्रारूप तैयार किया जिनके बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा हुई और फैसले आम राय से होते थे, प्रावधान किसी खास समूह के पक्ष में नहीं होता था, सबके हितों को ध्यान में रखा गया
और लिखित रूप में महीनों की अवधि में विधानसभा की बैठक कितनी हुई, 166 दिनों तक चली। अंडरलाइन कर लेना, 166 दिनों तक। इसका निकाल लेना कितना समय लगा। इसके बाद सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले। अब देखते हैं कि जो हमारा संविधान बना उसमें राष्ट्रीय आंदोलन ने क्या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसने क्या इससे विरासत में लिया। हम देखते हैं इसको, संविधान सभा केवल अपनी संविधान सभा के बूते नहीं बना, भारत की संविधान सभा का इतनी विविधतापूर्णता थी कि ये सामान्य ढंग से काम नहीं कर सकती थी यदि इसके पीछे उन सिद्धांतों पर आम सहमति न होती जिन्हें संविधान में रखा गया था। इन सिद्धांतों पर कौन से, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सहमति बनी। एक तरह से संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप को आकार दे रही थी जो उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त हुए थे। यानी कि भारत में सरकार का स्वरूप और संरचना कैसी होनी चाहिए, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए, किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए, इन पर बहस प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन ने जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू की 1946 में प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा, जिसमें प्रस्तावना में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया। हमने पढ़ते ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये हमारे जो उद्देश्य का है वो नेहरू जी ने 1946 में ही प्रस्तुत कर दी थी। पिछले भाग में देखा था संविधान के मौलिक प्रावधान कहा गया था वास्तव में उद्देश्य प्रस्ताव में समाहित मूल्यों से प्रेरित उनका सारांश है। इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में क्या क्या, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता एवं सार्वजनिक पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को भी संस्थागत रूप स्वरूप दिया गया। हमारा संविधान केवल नियमों और प्रक्रियाओं का भूलभुलैया नहीं है बल्कि एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करती है। उसके बाद देखते हैं हम संस्थागत व्यवस्थाएं, यानी कि संस्थागत क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे संविधान के द्वारा की गई, यानी हमारे संविधान में की गई। संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाए। मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे, जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों को कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या क्या संतुलन बनाया और विचार मंथन किया कि संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को दोनों को मिक्स करके लिया, स्वीकार किया और संघीय विधायिका और कार्यपालिका के बीच दूसरी और केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या कर दिया, वितरण कर दिया। शासकीय संस्थाओं की सार्वजनिक सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोग और अनुभवों से कुछ सीखने में संकोच नहीं किया। इसलिए तो हमने देखा ना, हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों का, लगभग 51 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उस संविधान के बाद में अंत में जो हमारे देश में हित में होगा उन अच्छी बातों को हमने विविध संविधानों से लिया और हमारे संविधान में सम्मिलित किया। जैसे मोटे रूप से हम बता सकते हैं हमने ब्रिटिश संविधान से क्या लिया, बताइए, सार्वजनिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, जो हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली है वो हमने कहां से ली, ब्रिटेन से ली। उसके बाद कानून के शासन का विचार, यानी कि शासन कैसा होना चाहिए, कानून का होना चाहिए, वो भी हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से लिया। विधायिका में अध्यक्ष पद का पद और उसकी भूमिका, यानी कि विधान व्यवस्थापिका में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उसकी क्या भूमिका होगी, ये भी हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। कानून निर्माण की क्या विधि होगी, हमें पता है ना कि कानून कैसे बनता है, पहले कैबिनेट मंत्रिमंडल से वो विधायिका में आता है, विधायिका के एक सदन में आता है, चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, उसके बाद वो दूसरे सदन में जाता है। तो ये प्रक्रिया भी हमने कहां से ली, ब्रिटेन से। अब आते हैं हम आयरलैंड का संविधान, यहां से हमने क्या लिए, हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिए हमने, याद करना है ये, राज्य नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। और फ्रांस से हमने क्या ली, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी लिखा हुआ ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो हमारे अधिकार भी हैं, हमने कहां से लिए, फ्रांस के संविधान से लिए। कनाडा से क्या लिया हमने, एक अर्ध संघात्मक, संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों में, जबकि अर्ध संघात्मक क्या होती है, शक्तियों का एक सीमित आधार पर विभाजन ताकि केंद्र सशक्त रहे। ये अर्ध संघात्मक व्यवस्था हमने कहां से ली, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां यानी कि हमारी शक्तियों का विभाजन है ना, संघ सूची,
राजी सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां। जो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत है वो हमने कहां से लिया? कनाडा के संविधान से लिया। अब हमने अमेरिका का संविधान, जो सबसे पुराना संविधान है, हमने इससे क्या लिया? मौलिक अधिकारों की सूची। हमारे मौलिक अधिकार है ना, पहले कितने थे? 7, वर्तमान में कितने हैं? 6। वो कहां से लिए? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या है न्यायिक पुनरावलोकन? यानी कि अगर किसी विषय पर निर्णय दिया जाता है और न्यायपालिका को लगता है कि निर्णय सही नहीं है, इसलिए इसको दोबारा से अवलोकन किया जाए, ये शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली? अमेरिका के संविधान से। इस प्रकार ये हमने सारी हमारे शक्तियों का देख लिया और ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें देखो, निष्कर्ष में देखो, यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिता और दूरदर्शिता का प्रमाण है कि देश को एक ऐसा संविधान दे सके जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यही कारण है कि जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया गया संविधान केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है। जबकि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके संविधान बनते हैं, बिगड़ते हैं, कागजों में लिखे रहते हैं, दब जाते हैं, लेकिन भारत का संविधान क्या है? एक विलक्षण दस्तावेज है जो अन्य देशों से, खास तौर से दक्षिण अफ्रीका के लिए एक प्रतिमान माना गया। 3 वर्ष तक संविधान बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य रहा ऐसे संतुलित संविधान बना जाए जिसमें संविधान का निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त काम चलाए व्यवस्था न हो बल्कि लोगों की आकांक्षाओं को एक लंबे समय तक संजोए रखे। ठीक है, धन्यवाद। इस प्रकार ये हमारा जो अध्याय था संविधान क्यों और कैसे समाप्त हुआ। इसके बाद जो इसके प्रश्नावली है हमें कर ही लेंगे, ये इसमें हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि हमने ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया है। इसके आगे का जो हम आगे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं होता है, इसके बाद हम अगले अध्याय को पढ़ेंगे।